दोस्तों, जैसे कि हम आपको डेली छोटी बड़ी न्यूज़ अपडेट करते हैं, और जैसे ईओ सुरेश चौहान के बारे में हमने आपको एक न्यूज़ दिखाई थी, जिस तरह से उसके साथ जो घटना घटी है वो बड़ी दुखद है, क्योंकि एक सरकारी अधिकारी हैं वो, और जिस तरह से उनके ऊपर दबाव बनाया गया उसके लिए एक सीसीटीवी फुटेज उन्हीं के ऑफिस की आज हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ के यहाँ पर जो बैठे हैं कुछ लोग, और जो काला सैनी हैं अभी अंदर पहुँचे हैं, और वहाँ पर कुछ उनके बीच बात हो रही है, और ईओ चौहान बड़े ही शांत स्वभाव से उनका जवाब दे रहे हैं, और जिस तरह से काला सैनी देखा जा रहा है वो काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, और जिस तरह से मामला कुछ साइन वगैरह को लेकर इनके बीच हुआ था, कोई फाइल थी जो कि वार्ड नंबर 2 की मिट्टी की फाइल थी, जो कि कुछ 1 करोड़ के आसपास की वो फाइल प्रोजेक्ट फाइल थी, और जो कि है यहाँ पर काला सैनी आप देख सकते हैं किस तरह से वायलेंट होते हुए, और जो फुटेज के अंदर अभी देखने को मिल रहा है कुछ लोगों ने उनको पकड़ लिया है, और जिस तरह से आराम से शांति से उनका जवाब देते हुए, तो जिस तरह वहाँ पे लोग बैठे हैं उनसे भी जिस तरह हम मिले थे तो बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे, और उन्होंने कहा था मैं बाद में देख के फाइल को उसके बाद साइन कर लूँगा। जिस तरह हमारी बात हुई थी सुरेश जी से, आप काफ़ी सामने उनके नज़र आ रहे हैं, काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, और बार बार उनको धमका रहे हैं, किसी तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह की धमकी भरी लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं, तो ये बड़ी दुखद घटना है। जींद वैसे ही इतना पिछड़ा हुआ है, और सही गलत में आप फर्क नज़र आ ही रहा होगा कि इस तरह की घटनाएं हमारे जींद के अंदर हो रही हैं, और कैसे एक सरकारी अधिकारी के ऊपर एक जो MC है और जो BJP नेता अभी जवाहर सैनी भी पहुँच चुके हैं और यहाँ पर बैठ गए हैं वो शांति से, और दोनों के बीच कुछ बात चलती हुई, इसके बाद सरकारी जो ऑफिसर हैं उन्होंने बाहर किया काला सैनी को, लेकिन फिर बार बार वो अंदर आते हुए और अंदर आके फिर फाइल उठा के टेबल पे पटकते हुए ज़बरदस्ती एक दिखाते हुए एक धमकी भरी लैंग्वेज में, और जिस तरह से सुरेश जी ने बताया था कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये बताया था कि काला सैनी और जवाहर सैनी ने बोला था कि आप हमारे नौकर हैं, तो ये एक सरकारी अधिकारी है, अगर इस तरह से दबाव बनाया जाएगा तो वो कैसे खुल के अपना काम कर पाएगा। वैसे भी आजकल ईमानदारी बहुत कम रह गई है, लेकिन कुछ लोग अगर थोड़ा बहुत ईमानदारी से काम करते हैं तो इस तरह से उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, ये बड़ी ही दुखद बात है। एक सरकारी अधिकारी होने के बावजूद उसके ऊपर इतना प्रेशर बनाया जा रहा है, और जिस तरह से देखा जा रहा है पकड़ के उन काला सैनी को बाहर किया जा रहा है, फिर थोड़ी थोड़ी देर में उसको फिर आ जाते हैं और फिर गेट खोल के अंदर आ जाते हैं, और बार बार समझाने के बावजूद, जबकि एक अधिकारी की एक इज्जत होती है, एक इमेज होती है ऑफिस के अंदर, और एक सीनियर अधिकारी के तो बहुत ही मायने रखती है, वहाँ पर कुछ बंदे बैठे हैं जो बाहर से आए हैं, कोई बात है उनके बीच, लेकिन ये सब नज़रअंदाज करते हुए काला सैनी सबके सामने एक उनकी इज्जत को उछालते हुए उनको धमकियाँ देते हुए अभी बाहर ले गए काला सैनी को, और जवाहर सैनी बैठे हैं बात कर रहे हैं, फिर से बार बार अंदर आते हुए आप देख सकते हैं कि एक सरकारी अधिकारी का काम करना कितना मुश्किल हो गया है। जिस तरह से पीछे भी एक हिसार में एक चप्पल कांड की घटना हुई थी, अभी आप देख सकते हैं कि एक अधिकारी को किस तरह से डराया जा रहा है, जीन में वैसे ही विकास नहीं है, विकास होगा भी कैसे, सही गलत का कुछ समझ में नहीं आ रहा, किस तरह की सही गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, जिस तरह से जो भी हो रहा है आपके सामने है कि ऑफिसेज के अंदर क्या हो रहा है, सरकारी ऑफिसर डर के साए में रहते हैं, किस तरह से एक काम कर पाते हैं, और आम नागरिक का क्या हाल है। यहाँ पर किरण सैनी बैठी हैं और साथ में कुछ और भी मेम्बर बैठे हैं, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भी, किरण सैनी से मिलेंगे क्योंकि वो चश्मदीद गवाह है इस वीडियो की, कि एक्चुअली में हुआ क्या था, क्योंकि ये CCTV फुटेज है, ऑडियो नहीं है, लेकिन सिर्फ एक वहाँ पे जब हम मिले थे तो जो सुरेश जी हैं उन्होंने बताया था, और जो एक दो पर्सन था उन्होंने ही बताया था इसके बारे में, घटनाक्रम के बारे में, किस तरह की लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ की गई थी और किस तरह से वहाँ पर जो है धमकाया गया था सुरेश जी को।
आप हमारा चैनल देखते रहिए, हम आपको हर न्यूज़ दिखाएंगे, चाहे वो किसी तरह की जुड़ी हुई न्यूज़ है, चाहे क्राइम से जुड़ी हुई न्यूज़ है, चाहे आपकी छोटी छोटी समस्या की न्यूज़ है, हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाते रहते हैं। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ चैनल। जितना हो सके हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसी भी सरकारी अधिकारी को इस तरह से ना दबाया जाए, एक सच्चाई की आवाज़ उठे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अभी थोड़ा सा माहौल शांत है और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जवाहर सैनी जी आराम से बैठे बात कर रहे हैं फिलहाल, और यहाँ पे कुछ बंदे और बैठे हैं जो कुछ समस्या को लेकर यहाँ पे पहुँचे थे, तो उनके बीच कुछ बात चलती हुई। आप देख सकते हैं कि जवाहर सैनी हैं जो बातचीत कर रहे हैं और जो माहौल है अभी ठीक ठाक नज़र आ रहा है। तो फाइल को लेके कोई चर्चा चल रही है कि जो वार्ड नंबर 2 की फाइल है उस पर साइन कराने को लेके जवाहर सैनी कुछ बात करते हुए। अभी मामला ठीक है लेकिन सिर्फ बातचीत तक ही रहता देन बेटर था, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से घटना घटी है, इस तरह ऑफिसेज में कहीं और भी चल रही होगी, ये सामने आया है मामला। लेकिन पता नहीं कितने मामले ऐसे चलते रहते हैं जो सरकारी ऑफिसरों को दबाया जाता है। अभी ये टेबल पे हाथ मार के खड़े हो गए हैं जवाहर सैनी जी, और ये पूरी गर्मा गर्मी का माहौल फिर से क्रिएट हो गया है और बिल्कुल सिर के ऊपर चढ़ के बात कर रहे हैं उनके, और पूरा हाथों को झटकाते हुए पूरे ज़ोर शोर में और जोश में आ गए हैं अभी, और पूरा दबाव बनाते हुए जो ईओ सुरेश चौहान हैं उनके ऊपर पूरा दबाव बनाते हुए ये आवाज़ सुन के वहाँ से फिर काला सैनी फिर से पहुँच गए हैं, और दोनों के दोनों एकदम उनके सिर के ऊपर खड़े होके वहाँ पे उन्होंने रिवाल्वर की तरफ इशारा किया अभी और उनको धमकी दे डाली। और इस बात को हम नहीं कह रहे क्योंकि वहाँ पे मौजूद जो बंदे थे उन्होंने सभी ने बताया है कि इस तरह से बंदूक दिखाते हैं, और बाद में जैसे चौहान साहब से भी बात हुई थी तो उन्होंने भी हमें बताया था कि इस तरह की घटना मेरे साथ हुई है कि वो मेरे को मारने की धमकी दे रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे। माहौल काफ़ी गर्म है, पूरी उंगलियां निकाल निकाल के उनके ऊपर चढ़ गए हैं, और जो सुरेश जी हैं वो बड़ा ही सहनशीलता और का परिचय देते हुए, और यहाँ पे उन्होंने ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं कहा होगा जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि उनकी बातों से लगता है वो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और मामले को शांति से निपटाना जानते हैं। और जिस तरह से वो अभी बात कर रहे हैं आराम से शांति से, कोई किसी तरह का जोश नहीं दिखा रहे हैं, शांति से बात करते हुए। यहाँ पे धीरे धीरे जो बंदे बैठे थे वो बाहर जाते हुए कि यहाँ पे लड़ाई का माहौल हो गया है, अब बाहर जाना ही सही रहेगा, इस तरह से कुछ उन्होंने भी इशारा किया जैसे काला सैनी वगैरह ने कि आप जाइए बाहर, जबकि यहाँ पे जो बंदे आए थे उनके लिए सुरेश जी ने चाय पानी वगैरह मंगाया हुआ था। तो बड़ी गलत बात है जो हमारे दरवाजे पे आता है अगर चाय पानी है रखा है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप जो चौहान जी हैं वो खड़े हो गए अपनी सीट से और बाहर जाते हुए, उनको भी किसी तरह का शायद डर वगैरह महसूस हो रहा होगा, तो इस तरह